और महंगाई में जोरदार तेजी की हम देख रहे हैं, एक लहर आती हुई और खराब कंज्यूमर सेंटिमेंट की खबर के बाद शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, वहां पर भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स 0.3% यानी कि करीब 900 अंक गिरकर 31,392 पर बंद हुआ, जबकि S&P की अगर बात करें वहां पर भी लाल निशान के साथ करीब 3%। टेक्नोलॉजी हैवी स्टॉक्स में लगातार कमजोरी रही, जिसका एक इम्पैक्ट नैस्डैक पर भी पड़ता हुआ दिखा और वो भी लाल निशान के साथ ही क्लोज हुआ। डाउ जोन्स लगभग सभी शहरों में बिकवाली नजर आई। वहीं टेक की दिग्गज कंपनियां एप्पल करीब 4%, माइक्रोसॉफ्ट करीब 4.5%, अमेजॉन में करीब 5% की कमजोरी देखने को मिली। अमेरिकी शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता बीते एक महीने का सबसे खराब हफ्ता रहा। 11 में से 10 हफ्तों में डाउ जोन्स 5% तक टूट चुका है। यही हाल S&P और नैसडैक में भी देखने को मिला है। इनमें भी पिछले 9 हफ्तों में 5.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। उम्मीद से खराब महंगाई दर के आंकड़ों की वजह से अमेरिकी निवेशक बाजार को लेकर चिंतित दिखाई रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि US फेड आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। चलिए अब बात US इन्फ्लेशन के आंकड़ों की। अमेरिका में महंगाई पिछले 40 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन मई महीने में CPI महंगाई की अगर बात करें 8.6% पर यह आंकड़ा जाता हुआ दिखा है। पिछले लगभग 7 महीने में महंगाई दर लगातार नई ऊंचाइयों को छूती नजर आ रही है। तेल की कीमतों में आई तेजी और खाद्य पदार्थों की कीमत में आई तेजी से अमेरिकी बाजार में पर्टिकुलरली CPI इन्फ्लेशन डेटा, जिसकी लगातार हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग सेशन में, चाहे फिर विदेशी बाजार हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स हो, इसी इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार था और इसी वजह से हम देख रहे थे मार्केट्स के सेंटिमेंट भी कमजोरी की तरफ नजर आ रहे थे। 40 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है ये महंगाई की दर USCPI इन्फ्लेशन के डेटा। अप्रैल में महंगाई दर में मामूली कमी देखने को मिली थी, लेकिन मई महीने में 8.5% से बढ़कर 8.6% पर जाती हुई दिखी, जो कि अनुमान से भी ज्यादा है। दिसंबर 1981 के बाद ये सबसे ज्यादा महंगाई दर का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। श्रम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में ये बात सामने आती हुई नजर आई। और इसी US इन्फ्लेशन डेटा पर जिस पर सबकी नज़र थी जब ये डेटा आते हुए दिखे, इसके बाद इसकी एनालिसिस कैसे की जाए, इस पर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट इंडिया रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत जुड़ गए हैं। देवेंद्र, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। US महंगाई दर के आंकड़े को अगर देखें, 40 सालों में अपने सबसे उच्चतम स्तर पर ये नज़र आ रहे हैं। CPI की अगर बात करें 8.6%, जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। साथ ही अगर हम देखें 41 साल का उच्चतम स्तर, US इन्फ्लेशन के डेटा जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, आपके फर्स्ट टेक अवेज इस पर क्या है? देखिए, ये जिस तरह से पेंडेमिक के समय US इकॉनमी में जिस तरह का एक पैकेज दिया गया कंज्यूमर्स को, उसके कारण क्या है, वहां पे डिमांड जिस रफ्तार से बढ़ी है उसका ये असर देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जैसा कि हमने देखा कि इस समय पूरा विश्व जो जूझ रहा है वो है कमोडिटी प्राइसेस, जैसे कि ऑयल प्राइस की आपने बात की, किसी भी कमोडिटी की हम प्राइस करें, चाहे फूड ग्रेन की बात करें, गेहूं के दाम बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, उन सब का एक मिला जुला असर जो है वो वहां पे हमें महंगाई का देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ जबकि ऑयल पे हमने एक्साइज ड्यूटी कट किया, उसके बाद प्राइजों में जो कंज्यूमर प्राइस हैं उनमें एक तरह से ठहराव है, वो नहीं बढ़े हैं, परंतु वहां पर डेली आपका जिस हिसाब से प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, चाहे वो नाइमेक्स हो या ब्रेंट क्रूड हो, उसके हिसाब से वो प्राइजेस में वेरिएशन आता है और उसके कारण हमें जो है एक जबरदस्त उछाल, उसमें कुछ तो डिमांड साइड इफेक्ट है, कुछ सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, दोनों का मिला जुला के ये असर देखने को हमें मिल रहा है। जी, ये बात तो आपने सही कही, इन्फ्लेशन डेटा। वैसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो हैं इन्फ्लेशन को ही ठीक करने की कोशिशों में लगे हैं, इसी के चलते रेट हाइक्स का सिलसिला भी हम देख रहे हैं। अब ये जो ताज़ा इन्फ्लेशन डेटा US के आए हैं, US फेड की तरफ से किस तरह के एग्रेसिव रेट हाइक्स के एक्सपेक्टेशन अब होते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर कैसा पड़ता देखेंगे हम? तो देखिए, इसमें है कि US फेड का इंटेंशन तो बहुत क्लियर है कि वो अभी जिस स्तर पे फेड रेट्स हैं उससे और 4 या 5 रेट हाइक होंगे।
अब वो रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट्स के होते हैं या 25 बेसिस पॉइंट का वो इंक्रीमेंट आता है। परंतु ये है कि अगले साल के अंत तक 2023 तक आपको कोई 150-200 बेसिस पॉइंट के बीच में यूएस फेड का हाइक देखने को मिल सकता है। अब इसका सबसे बड़ा असर जो चीज है जिसका हम लोगों पे असर पड़ता है कि उसका असर हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा कि इस समय ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक मॉनेटरी टाइटनिंग पे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी जिसकी रफ्तार बिगड़ गई थी उसको चुस्त दुरुस्त करने में या उसको ठीक करने में हमने ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इजी मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो वाइंड अप होगा, इंटरेस्ट रेट आपका वाइडन होते हैं। परंतु इस समय सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जिस समय भी पूरे विश्व में रिसेशन की बात होती है और यूएस इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं इंडिया को मिला के, वहां से कैपिटल फ्लाइट होता है, कैपिटल वापस वहां से इन देशों से वापस यूएस की तरफ जाता है। उसका असर ये होता है कि आपका यूएस डॉलर आपको स्ट्रांग होता जाएगा, तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो करेंसी की वैल्यू हमारी डेप्रिशिएट होना शुरू होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि रुपया काफी टूटा है। अब उसका असर ये है कि हमें जो है इन इमर्जिंग इकोनॉमीज इंडिया जैसे को दो तरफा मार पड़ती है, एक तो कमोडिटी प्राइस आपका पड़ रहा है, परंतु जो हम यहाँ पे फेस करते हैं वो रुपी वैल्यू है, और उस पर अगर करेंसी हमारी 2%, 3%, 4-5% की तरफ डेप्रिशिएट होती है तो जो डबल वैमी कहते हैं दोगुनी मार, दो तरफा मार हमारे इकोनॉमी को इन्फ्लेशन की पड़ती है। दूसरा चैनल जो है जो असर पड़ता है, क्योंकि यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट टू यूएस लास्ट ईयर जो था वो तकरीबन 18% था। यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम होती है, और हमें ना केवल एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंटरेस्ट रेट प्रेशर झेलना पड़ेगा, परंतु दूसरी तरफ से क्योंकि यूएस इकोनॉमी में डिमांड स्लंप होगा जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी एक झटका लगता है। तो ये जो है ये सिचुएशन जो है वो बड़ी असमंजस कहना ठीक सही नहीं होगा, एक तरह से अजीब सी सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन होगी, कमोडिटी प्राइस हाई है, करेंसी डेप्रिशिएट करेगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ना केवल विश्व में, ना केवल अमेरिका में, पर इंडिया और बाकी इमर्जिंग मार्केट में भी उसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट करेंसी की भी आप जिस तरह से बात करें कमजोरी आती हुई दिख भी चुकी है। रुपए में अगर देखें दिन के निचले स्तरों पर क्लोजिंग हमने देखी करीब 77-85 के लेवल्स पर, तो ये बात तो आपकी सही है। जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब इंटरेस्ट रेट की तरफ से भी एक बार एग्रेसिव हाइक्स के अनुमान सीधे तौर पर नजर आ रहा है। स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन भी कुछ दिग्गजों की अगर माने तो ये भी नजर आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में कच्चे तेल की चाल पर बात करते हैं, क्रूड जिस तरह से लगातार उबाल दिखा रहा है, क्या आपको लगता है वहां से कोई सॉफ्टनिंग आने पर इकोनॉमी की स्थिति जो है कुछ हद तक सुधरती या कुछ हद तक एक रिलीफ मिलता दिख सकता है? देखिए जो है आपका क्रूड में अगर हम देखें जनवरी से और उसके बाद जब से ये यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ है वो ऊपर नीचे बिहेव कर रहा है, और उसमें जिस समय हमने देखा कि चाइना वो तगड़ा लॉकडाउन लगा था उस समय, क्योंकि डिमांड कम होने के कारण कुछ क्रूड प्राइसेस कम आए थे। अब अगर सिचुएशन ये बन रही है कि यूएस इकोनॉमी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा कंज्यूमर है, चाहे वो किसी भी कमोडिटी की बात करें, चाहे वो ऑयल हो या कोई और कमोडिटी, अगर वहां पे अगर हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिसेशन या स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो कुछ असर उसमें देखने को मिलेगा। परंतु जब तक ग्लोबल इकोनॉमी ये रशिया और यूक्रेन वाला इश्यू रिजॉल्व नहीं होता और रशियन सप्लाईज फुली, उसके साथ साथ जो है बाकी जगह जो ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज है वहां पे जो इश्यूज है वो रिजॉल्व नहीं होते, तो ऑयल प्राइस हमें हार्डन मिलेंगे या ऊंचे लेवल पे देखने को मिलेंगे। अब ये है कि ये ऊंचा लेवल क्या है, क्या ये ऊंचा लेवल $120 पर बैरल है या ऊंचा लेवल $140 पर बैरल? तो जिस हिसाब से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर $5 पर बैरल का वो ऑयल प्राइस पड़ता है तो तकरीबन $6 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट पे हिट लगता है। तो इस हिसाब से, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है बिल्कुल
अब हमारा जिस हिसाब से इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो व्हीकल है या एज अ रॉ मटेरियल और फॉर इकोनॉमी बाकी सेक्टर्स में, उसमें हमारी डिपेंडेंस 80% जो है इंपोर्टेड ऑयल पे है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूएस के इन्फ्लेशन डेटा जो कि लगातार